لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله तीन ऐसी नापसंदीदा चीज़ें हैं जो बेहतरीन चीज़ें भी हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तीन नापसंदीदा चीज़ें बहुत खूब हैं, मौत, मोहताजी और बीमारी। इस रिवायत को अज़्ज़ुहद में इब्न मुबारक ने रिवायत किया है और इसका हदीस नंबर है 262। मौत इसलिए बेहतर है क्योंकि जैसे मैंने आपसे पिछले दर्स में बताया कि मौत जो है वो मोमिन के लिए तोहफा है, कैद खाने से निजात है। मोहताजी जो है उसका मतलब है कि माल कम होगा तो हिसाब कम देना पड़ेगा, और बीमारी तो वो तो गुनाहों को झाड़ देती है। तो बज़ाहिर जो है नापसंदीदा है लेकिन दरअसल उसका फ़ायदा है। अच्छा, सैयदना ताऊस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोमिन के दीन को कब्र का गढ़ा ही बचा सकता है। इसको मुसन्नफ़ इब्ने अभी शैबा में रिवायत किया गया है किताब उज़्ज़ोद में और हदीस नंबर है 2। इसी तरह सैयदना मालिक बिन मिगोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि सबसे पहली चीज़ जिससे मोमिन को खुश नसीबी होगी वो मौत है, क्योंकि इस वक्त वो बारगाह इलाही से मिलने वाले इज्जत और सवाब को देखेगा। सुभान अल्लाह। इसको अज़्ज़ुहद में इब्ने मुबारक ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 273। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कि मोमिन के लिए अल्लाह की मुलाकात से बढ़कर कोई राहत नहीं। लैसा लिमुमिनिन राहतुन दून लिकाइल्लाह। इस रिवायत को कशफुल खिफा में रिवायत किया गया, हदीस नंबर 946। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया हर मोमिन के लिए मौत बेहतर है और हर काफिर के लिए भी मौत बेहतर है, तो कौन है जो मेरी तस्दीक ना करे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मोमिनों के लिए फरमाया है। सूरह आली इमरान की आयत है, वमा इंदल्लाहि खैरुन लिलअबरार। जो अल्लाह के पास है वो नेकों के लिए सबसे भला है। और कुफार के लिए फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़्दादू इस्मा वलहुम अज़ाबुन मुहीन। और हरगिज़ काफिर इस गुमान में न रहेंगे वो जो हम इन्हें ढील देते हैं कुछ इनके लिए भला है, हम तो इसीलिए इन्हें ढील देते हैं कि वो गुनाह में बढ़े और इनके लिए जिल्लत का आदाब है। ये सूरह आली इमरान की आयत है। तो ये दोनों आयतें उन्होंने तिलावत फरमाई। इस रिवायत को तफसीर तबरी में रिवायत किया गया, हदीस नंबर 8375। अच्छा, इसी तरह सैयद अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फरमाया कि हर नेक और काफिर जान के लिए ज़िंदगी से मौत बेहतर है, क्योंकि अगर वो नेक है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फरमान है सूरह आली इमरान का, वमा इंदल्लाहि खैरुन लिलअबरार, के जो अल्लाह के पास है वो नेकों के लिए सबसे भला है, और अगर काफिर है तो उसके लिए ये वईद है जो सूरह आली इमरान की आयत है। पहली वाली जो मोमिन के लिए खुशखबरी है वो तो आया नंबर 198 है, और जो काफिर के लिए वईद है वो आया नंबर 178 है, 198 और 178। तो मोमिन के लिए 198, काफिर के लिए 178। आया नंबर 178 क्या है, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुम्ली लहुम खैरुन लिअन्फुसिहिम। वही आयत जो भी आपसे मैंने पिछली रिवायत में भी बयान की हज़रत अबू दरदा वाली में, कि हरगिज़ काफिर इस गुमान में न रहेंगे कि वो जो हम इन्हें ढील देते हैं कुछ इनके लिए भला है, हम तो इसलिए इन्हें ढील देते हैं कि और गुनाह में बढ़े और इनके लिए जिल्लत का अज़ाब है। और इस रिवायत को मुसन्नफ़ इब्ने अभी शैबा में रिवायत किया गया, हदीस नंबर 57। अच्छा, मौत, मोहताजी और बीमारी जिसके बारे में मैंने भी आपसे फरमाया, तो हज़रत सैयदना अबू दरदा ने भी फरमाया कि तुम मरने के लिए जनते हो, वीरान होने के लिए तामीर करते हो, फना होने वाली दुनिया पर लालच करते हो और बाकी रहने वाली आखिरत को छोड़े हुए हो, मगर तीन नापसंदीदा चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, एक तो मौत, एक मोहताजी और एक बीमारी। इसको अज़्ज़ुहद में इब्ने मुबारक ने रिवायत किया, हदीस नंबर 262। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने फरमाया कि याद रखो तीन नापसंदीदा चीज़ें बहुत बेहतरीन हैं, और फिर इन्हीं तीनों चीज़ों का जिक्र किया, मौत, मोहताजी और बीमारी। इस रिवायत को भी को अज़्ज़ुहद में इमाम अहमद इब्न हंबल लेकर आए हैं और इसका हदीस नंबर 874।
इसी तरह जाफर अहमर का कौल है कि जिसके लिए मरने में बेहतरी नहीं इसके लिए जीने में भी बेहतरी नहीं, कि वो जो अपने रब से लिका पे खुश नहीं उसका जीना भी क्या जीना है। इसको इतहाफुस्सारतुल मुत्तकीन में रिवायत किया गया है, किताब ज़िक्रुल मौत व मा बादह और बाब अल अव्वल में इब्ने अबी दुनिया के हवाले से ये कौल जाफर अहमर का नकल किया गया है। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं फ़क्र को, फकीरी को, मोहताजी को अपने रब की बारगाह में आजिज़ी के लिए पसंद करता हूँ, और मौत को अपने रब की मुलाकात के लिए महबूब रखता हूँ, और बीमारी को गुनाहों का कफ़ारा होने की वजह से पसंद करता हूँ। इसे तबकात इब्ने साद में रिवायत किया गया है, हदीस नंबर 3697। इसी तरह हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया गया कि आप अपने दोस्त के लिए क्या पसंद करते हैं? फरमाया मौत। लोगों ने अर्ज किया अगर वो ना मरे तो? फरमाया इसका माल और औलाद कम हो जाए, यानी कि अल्लाह ताला उसको दूसरी चीजों में अगर मुब्तला कर दे इस तरह तो फिर वो सवाब में बढ़ जाएगा। तो अब इसको अज़्ज़ुहद में इमाम अहमद ने रिवायत किया है और इसका हदीस का नंबर है 748। इसी तरह सैयदना उबादा इब्ने सामित रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, मैं अपने दोस्त के लिए माल के कम होने और मौत के जल्दी आने की तमन्ना करता हूँ। वही वजह है कि मोहताजी है और मौत है, तो ये अपने रब से लिका है और फिर उसके बाद मोहताजी है, तो वो इज्ज़ इनके सारी पैदा करती है और फिर हिसाब में कमी होती है। तो इस कौल को भी जो है वो मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में रिवायत किया गया है, हदीस नंबर 3 किताब ज़ुहद में, हदीस नंबर 3। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, मुख्तलिफ़ कौल हैं, पलटा पलटा कर बात वही है कि तीन चीज़ें हैं बहुत नापसंदीदा लेकिन हैं बहुत अच्छी बेहतरीन चीज़ हैं। वो मालैना इल्ला अल बलाग़।